शिव अर्थं जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु का शिव अर्थं धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे सानन करुणासन विश्वानन साजे दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निखरता रघुवंचन अक्षरमाला वनमाला मुदमाला धारी चंदन मृगमल सोहे भोले शशधारी श्वेतांबर पीतांबर पागंबर रंगे संका दिक ब्रह्मा दिक पूता दिक संगे गर्भ में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जगधरता जगधरता जगपालन आज तुमने होती तो ये अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता था। इसे कहते हैं इंसानियत। दुश्मन को भी अपना दोस्त समझती है ये लड़की। बाकी इस मूर्ख की समझ में नहीं आ रहा। शुक्रिया, आपने हमारे भाई की रक्षा की। आज तुमने एक और एहसान कर दिया, पर भगवान करे कि तुम इस मुसीबत से बहुत जल्दी छुटकारा पाओ। इनको तो सांप ने काट लिया। कोमल, अरे कोई झाड़ फूंक वाले को बुलाओ जल्दी। कोई आसपास में हो तो बुलाओ। अरे वो शिवानुज बाबा है ना, वो झाड़ फूंक कर देंगे। अरे कोई बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं, झाड़ फूंक से कुछ नहीं होने वाला। इसे अस्पताल लेकर चलिए जल्दी। नहीं, हॉस्पिटल ले जाते पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। सुमित, तुम एक काम करो, जल्दी से नीम के पत्ते ले आओ। जाओ जल्दी। तू डॉक्टर है का? तू काहे हर चीज में अपनी टांग अड़ाती है? अरे कुछ होएगा वहां तो कौन जवाब देगा है? इसे अस्पताल ले जाओ। कोमल, कोल बिडवा गाओ कोल। उमन, बिटवा आके खोल। यहाँ आके खोल, खोल रहा है। उमन, फूट बेटा। सरोजनी, तुम हमारी जिंदगी में देवी बनकर आई हो। भगवान करे कि ये सब देखकर इसे सद्बुद्धि मिले और आप सब लोगों से अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाए। कोमल, उठ बेटा, उठ। क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की? सुमेंद्र, ऐसे टाइम पर मैं खतरा नहीं देख सकती थी। अगर मैं कोमल को धक्का नहीं देती तो उसे सांप डस लेता। और आपको डस लेता तो? आपको कुछ हो जाता तो?
दूसरों की जान बचाने वाले के साथ शिवजी भगवान कभी बुरा नहीं होने देते, और फिर मेरे साथ तो तुम हो, तो फिर मुझे किस बात का डर? जब तुम साथ रहते हो ना सुमित्र, तो ऐसा लगता है जैसे अपने साथ भगवान को ले चल रही हूं मैं। और जब तक तुम मेरे साथ हो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा प्यार मुझे मौत के मुंह में से भी बाहर निकल कर लाएगा। जैसे आपका प्यार हमें ले आया था। प्लीज मैडम जी, दोबारा ऐसा मत कर। आपको कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है बाबा, नहीं डालूंगी, लेकिन अभी मरने मराने की बातें मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि आप ऐसे इंसान की जान बचाने चले गए जो खुद आपकी जान का दुश्मन है। उसने हमारे घर वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आप उसी की जान बचाने चले गए। अगर हम भी उसके साथ वही बर्ताव करेंगे जैसा वो हमारे साथ कर रहे, तो फिर उसमें हमें क्या फर्क रह जाएगा? और फिर दुश्मनी का जवाब दुश्मनी तो नहीं होता ना, किसी को प्यार से भी तो जीता जा सकता है। कभी कभी गुरूर होता है खुद पर कि आप हमारी पत्नी हैं। चमत्कार चमत्कार, एक और चमत्कार कि चलिए देखते हैं। ऐसा चमत्कार तो सुना था, आज देख भी लिया। कहो पंडित जी, क्या बात है? चमत्कार हुआ है, भोलेनाथ का साक्षात्कार हुआ है, आपकी पूजा और अभिषेक दोनों सफल हुए। पहले सांप निकला और अब देखिए नागमणि। आइए सब लोग भोलेनाथ को प्रणाम करें। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके घर में साक्षात भोलेनाथ आपको दर्शन दिए। भोले शंकर, तेरा महिमा परम पार है। अरे हमरे बरसों की पूजा का फल है जो शिवजी प्रसन्न हुए। ए बुड्ढन, चला कब्र में पैर लटक रहा है पर मन से माइल नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पूजा कैसे हो गया? और तुम्हारा भक्ति में अगर इतना शक्ति था तो ये चमत्कार आज तक कैसे नहीं हुआ? ये हमारी पूजा है, हमने करवाई है पूजा। और भोले शंकर के हम परम भक्त हैं, उन्होंने हमसे खुश होकर ही दर्शन दिए। दर्शन दिए हैं वो, तुमसे ही न कर रहे, ई नागमणि हमरा है। अरे अम्मा जी, काहे बुढ़ापे में अपना बीवी ऊपर नीचे कर रही हैं आप? हम जो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आपका? अरे कैसे समझ में आएगा, भक्ति भाव से पूजा की तैयारियां करें हम, और प्रसाद खाने की बारी आए तो तुम अपना हक जमाए रहे हो। ये कहां का भक्ति भाव है, है? ये हमको हाव भाव मत समझाओ। ये मणि हमरा है तो हमरा बस कह दिए। नहीं, ये नागमणि हम नहीं देंगे तुमका। एक मिनट, बंद कीजिए बकवास, क्या हो गया है आप लोगों को? एक अंधविश्वास के लिए इतना बड़ा तूफान मचा रखा है आप लोगों ने। आप लोग अपने आप को समझते क्या है? हमारी पूजा, हमारी भक्ति क्या टंका बजा के रखा हुआ है आप लोगों ने? क्यों, आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी भक्ति इतनी बड़ी है कि शिवजी भगवान खुद प्रसन्न हो के आपको नागमणि देने आ जाएंगे? नागमणि मिलना या किसी त्रिशूल और डमरू का आकार पेड़ पर दिखना एक ऐसा अंधविश्वास है जो महज सिर्फ इत्तफाक से पैदा होता है। न जाने नागमणि को पाने के लिए कितने नाग मारे गए होंगे, कितने तांत्रिकों ने इसके नाम पर कितने लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, छल किया होगा उनके साथ। क्या ये शिव भक्ति है? बताओ, आप लोग जानते हैं कि भक्ति क्या होती है? अगर जानते ना तो एक मणि के लिए इस तरह झगड़ा नहीं करते।
भक्ति देने में समाहित होती, लेने में नहीं। अगर भक्ति के बदले कुछ मांगने की चाह हो तो उसे भक्ति नहीं स्वार्थ कहते हैं। शिवजी अपनी कृपा हर किसी पर बरसाते हैं, लेकिन इस तरह नागमणि देकर नहीं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे ना तो उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रवचन प्रवचन, ये घर में प्रवचन बहुत होता है। अरे तुम कौन होती हो हमारा भक्ति पर शक करने वाली, सवाल उठाने वाली? हाँ, ये भक्ति का उन्होंने लाइसेंस लिया है का, जो हमारा भक्ति का तुम अपमान कर रही हो? ये बात बताएं, ये बेवजह का लाइसेंस बांटना बंद कर दो, वरना इनका तो प्रकोप ही है, तुम हमारा प्रकोप से नहीं बच पाओगे, बता रहे हैं। तुम्हारी ये सोच पे एक अंधविश्वास ही है। शिवजी भगवान भगवान है, हमारी तरह कोई इंसान नहीं है कि छोटी सी चीजों के लिए गुस्सा हो जाएंगे। कम से कम भगवान को तो छोटा मत करो। अरे हम छोटा नहीं कर रहे, छोटा तुम कर रही हो। तुम हमें जुटला सकते हो पर मणि को नहीं। ये कहां से आई, कहां से टपकी? आप लोग झगड़ा करना बंद करिए, ये नागमणि नहीं है, हीरा ही है। जो कि हमारी अंगूठी से निकल गया था, ये देखिए। तो इसे हम ले लेते हैं, कब से ढूंढ रहे थे इसे, अब यहाँ पे जाके मिला। देख लिया आप लोगों ने, हो गई तसल्ली? या अभी भी कोई भक्ति भाव बचा है तो बता दो। अरे हमका का पता था, पंडित जी ने जो बोला हमने मान लिया। दादी, किसी भी चीज को समझने से पहले अपना राग अलापने से यही होता है कि किसी का डायमंड किसी की भक्ति का नागमणि बन जाता है। किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। अरे वो सांप इसलिए आया होगा क्योंकि बाहर सड़क पर सपेरा सांपों का खेल दिखा रहा है, उसी में से एक आधा सांप अंदर आ गया होगा। ये महज सिर्फ एक संयोग है और कुछ नहीं। ऐसे अंधविश्वासों में किसी को भरोसा करना ही नहीं चाहिए। भक्ति करनी है ना, भगवान की कृपा चाहिए ना, तो सबसे पहले अपना आचरण अच्छा करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, लोगों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, क्योंकि नर में ही नारायण होते हैं। जब इस भाव को अपना लोगे ना तो फिर ऐसे चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही भला हो जाएगा। समर को हम अपना बिजनेस पार्टनर बना लिए और इलाका बांट लिए, अब प्रतापगढ़ को समर संभालेगा। और उसी बात पे तू भी हमारे साथ चल, उडीले जो लोग हैं उनसे मिलवाना है उसको, उसको थोड़ा बिजनेस समझाना है। और तुम चलोगे तो उसके बाद काम खत्म करने के बाद रात को सोमरस पिएंगे, कोठा पर चलेंगे, मुस्कान का मुजरा देखना। आज बहुत खुशी का दिन है मुन्ना, प्रतापगढ़ में हम जो है अपना नींव गाड़ने में कामयाब हो गए। साले ने पेच डाल दिया, तो मैडम जी का व्रत तोड़वाना है। तो चल हमारा साथ। बचवा जरा अपना फोन दे, हमारा बैटरी खत्म हो गई। वो भाई वो स्क्रीन लॉक होगी ना, खोल के देते हैं ना आपको? हाँ
ससुरा ये दिन का इंतजार था। अरे कहा लॉक खोल रहा है, कहा कर रहा है, खुल गवा? हो गया हो गया, ये लीजिए। हो गया तो दो। गुप्ता जी। हाँ कोमल सिंह आ रहे हैं हम। हाँ ठंडा वंडा मंगवा लेना। हाँ अच्छा ओके। अरे भाई वो हम अपना पर्स भूल गए, वो लेकर आते हैं। दो मिनट में जल्दी आ। अब मैं अपना व्रत कैसे तोड़ूंगी माँ जी? कोमल तो सुमित्र को बाहर ले गया, रात भर बाहर रहने वाले लोग। बहुत भूख लग रही है। चिंता ना करो, ये बात सुमिंदर भी जानता है। चुप ना बैठेगा, वो तेज है और तुम्हारे मामले में तो खासकर उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेगा अपनी मैडम जी के लिए। काश कैसो, वरना रात भर इस भूख के मारे में छटपटाती रहूंगी। मैडम जी हाँ क्या? जल्दी करिए, आप तुम्हारे हाथों से रात उड़ना है ना। हमने कहा था ना, तुम तो पूरी रात की बात कर रही थी, ये दो ही मिनट में वापस आ गया। चलो दोनों अपना व्रत तोड़ो, हम चलते हैं। मैडम जी जल्दी करिए, कोमल कोमल इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ रह गया है मुन्ना, आजकल कुछ ज्यादा नहीं भूलने लग गया? जल्दी बोली क्या खाएंगी, जल्दी बोली। सब्जी सब्जी सब्जी। दाल खाएंगी? नहीं। चावल खा लीजिए। चलिए नहीं खा लीजिए। रोटी खानी है पहले, रोटी ले लीजिए। जल्दी खाइए हमें, जल्दी मैडम जी जल्दी, मैडम जी जल्दी खिलाइए। वेरी गुड थैंक यू। थैंक यू तुम आ गए, मुझे बहुत भूख लगी थी। इसका मतलब ये हमारा मुन्ना नहीं है? जा रहे भैया के साथ? हाँ? अरे मुन्ना काहे देर कर रहे हो यार, चलो चलिए। हाँ। मुन्ना लौटते वक्त बाजार से हमारे लिए वो काजू वाले बिस्कुट ला देगा? लाएगा ना? माफी के सिवा कुछ नहीं मांग सकते आपसे, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे आप क्या हुआ? अरे जाना। अरे कुछ नहीं भाई, वो अम्मा भी इन लोगों के साथ रह रहे के इमोशनल हो गई। छोड़ो ना यार, अम्मा का इमोशनल बकायती है, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। चल इन पे टाइम वेस्ट मत कर। अरे
जो हमारा बेटा है वो हमारी एक नहीं सुनता, और जो सुनता है वो हमारा बेटा नहीं।